भारत का जो विचार है सर्वे भवंतु सुखी न दुनिया में सभी सुखी रहें, दुनिया में कोई भी मनुष्य कहीं पर भी भूखा ना रहे हमारे पड़ोस में ठीक है पाकिस्तान संकट में है लेकिन बार बार वो हमारे ऊपर आक्रमण भी करता है लेकिन इस पाकिस्तान उदार मन से भारत से गेहूं मांगता तो भारत सदाशयता के साथ उसको जरूर देता यह भारत की सनातन परंपरा है अभी कोरोना में आपने देखा ना हमारे पास मेडिसिन थे वैक्सीन थे तो हमने जरूरत वाले देशों को तुरंत दिया हमने गेहूं भी दुनिया में अनेक देशों को दिया जिनको आवश्यकता है सौभाग्य से भारत के पास सरप्लस गेहूं है लेकिन वो अपनी जिद छोड़े ना वो जिद नहीं छोड़ता शत्रुता नहीं छोड़ता ये बड़ी उसकी समस्या है आप कहते हैं सर्वे भवंतु सुखिना आप कहते हैं हमने सबको वैक्सीन दी आप कहते हैं हमने गेहूं भी दिया लेकिन जब पाकिस्तान की बात आती है वहां हालत खराब है आपने कहा कि ढाई सौ किलो गेहूं बिक रहा है आप क्यों नहीं भेजते उसमें आप क्यों चाहते हैं कि वो आपसे मांगे हाथ जोड़े तभी आप करेंगे जब आप सबको देते हैं खुले मन से दीजिए आप तो आप तो कह चुके हैं कि ये अपना ही देश है आपने कहा पाकिस्तान के लिए कल की अपना देश है। ये तो भारत सरकार से मांगेगा ना तो भारत सरकार से मांगेगा तो भारत सरकार विचार करेगी इसके ऊपर मेरा मानना है जरूर भारत सरकार पूर्वक विचार करेगी लेकिन वो मांगने का मन तो बनाए उसकी जिद तो ये है ना गोपाल जी मैं यही समझना चाह रहा था कि इसमें मांगना क्यों जरूरी है अगर हम देख रहे हैं कि लोग वहाँ भूखे हैं और आपने कहा कि आ, आपके शब्दों का चयन आप पता नहीं कैसे इसको समझाना चाहेंगे आपने कहा कि पाकिस्तान में तो कुत्ता भी नहीं भूखा भूखा सोना चाहिए तो आ, मांगना क्यों जरूरी है? हम लोग उदार नहीं है हमें दिखाई नहीं दे रहा है क्या इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो बातें आवश्यक है ना वो बातें तो आवश्यक है जरूरी है आपको क्या लगता है कि अगर वो मांगे तो हम लोग 20 लाख टन गेहूं दे सकते हैं नहीं ये तो सरकारों का निर्णय है हाँ भारत के पास सरप्लस तो है भारत अपनी आवश्यकता से एक डेढ़ करोड़ टन गेहूं अधिक पैदा करता है इस समय ये सच बात है इसमें कोई दो बात नहीं है